स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एग्जाम्स पर। चलिए दोस्तों, यह जो पेपर है नौकरशाही.com, इसमें जो न्यूज़ छपा है हमारे जो शिक्षक नियुक्ति को लेकर, उसको हम बता दें कि यह पर राजद का विरोध इस पेपर में छपा है। शिक्षक नियुक्ति 14 से होने वाली, काउंसिलिंग टली, राजद का विरोध। चलिए देखते हैं क्या है। बिहार में 14 दिसंबर से होने वाली काउंसिलिंग राज्य सरकार ने टाल दी है। राजद ने नीतीश सरकार के इस फैसले का कड़ा प्रतिवाद किया है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति का कार्य फिर से टल गया है। राज्य सरकार ने 14 दिसंबर से होने वाली काउंसिलिंग को रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग के जारी आदेश के अनुसार 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होने वाली तृतीय चक्र की काउंसिलिंग रद्द कर दी गई है। विभाग ने कोई नई तिथि भी फिलहाल जारी नहीं की है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने शिक्षा विभाग के इस फैसले का कड़ा प्रतिवाद किया है। उन्होंने ट्वीट किया, शिक्षक बहाली के नाम पर जारी भूलभुलैया खेल का नया एपिसोड। राजद प्रवक्ता गगन ने अपने ट्वीट के साथ शिक्षा विभाग का वह आदेश पत्र भी शेयर किया है जिसमें काउंसलिंग टालने का फैसला लिया गया है। सरकारी आदेश में लिखा है, पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत प्रमुख और जिला परिषद प्रमुख का चुनाव होना है। यह चुनाव कब होगा, इस संबंध में शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने जानकारी नहीं दी, इसलिए शिक्षक नियुक्ति के लिए काउंसलिंग रद्द की जा रही है। यह देख सकते हैं लेटर, यहाँ पर जो काउंसलिंग को कैंसिल करने का लेटर है, यहाँ पर है। सवाल खड़ा किए हैं कि क्या यही सुशासन है। सुशासन का अर्थ होता है कि सरकार और शासन के विभिन्न अंग और होना चाहिए और शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय हो ताकि जन कल्याण कार्य सुचारू रूप से हो सकें। यहाँ तो कोई समन्वय ही नहीं है। सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री ने निर्वाचन आयोग से जानकारी लेने के लिए खुद कोई पहल की, कोई रुचि दिखाई। दरअसल यह सरकार की राज्य में शिक्षा के प्रति नज़रिया है, गरीब बच्चों के प्रति नज़रिए को भी बेनकाब करती है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन वर्ष 2021 में ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण अब हजारों युवकों का भविष्य फिर से एक बार अंधेरे में चला गया है।